ये आकाशवाणी है। मोती ढोती सीपियां प्रस्तुत है श्रीमती राजलक्ष्मी सुब्रमण्यम के तमिल नाटक का हिंदी अनुवाद। अनुवादक हैं श्री आर वीलिनाथेन। तो सुनिए नाटक मोती ढोती सीपियां। आज सुनिए इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। परमू भैया मैं आ गया। क्यों रे एंटनी? हाँ। अब आया है? जी एंटनी। अरे लाड साहबों का सा नाम रखने से क्या होता है? हाँ? है? उनकी तरह सुखचैन से जीना भी चाहिए ना। अरे कितने दिन ये फटा पुराना कुर्ता और ये मैली लुंगी पहने फिरोगे? परमू भैया आप चाहें तो स्थायी रूप से मुझे माल उतारने का काम दे सकते हैं भैया। दे सकते ना हैं। समझ इस तरह 10-15 के मोहताज बनोगे तो रूखा सूखा खाकर चटाई पर ही सोने को मिलेगा। क्या? हाँ। सब कामों के लिए एक समय होता है। अब भाग्य में ही लिखा है तो उसे बदल नहीं सकते परमो भैया। अरे समय की राह देखते रहे तो गुजर गया जीवन। अरे पगले हमी को समय के पीछे जाना चाहिए। हा? भाग्य बनाना चाहिए जी। अरे तुमने वो हमारे खपरेल वाले मकान के दामाद डेविड साहेब को देखा? डेविड साहेब? हाँ। और वो गली के मोड़ पर रहने वाले मुरुगन के बेटे को देखा? जी हाँ। देख लो पहले कैसे थे और अब कैसे। अरे कितने ठाट बाट से रहते हैं। कहते हैं कि विलायत का पैसा खेलता है। अरे आती लक्ष्मी जहाँ से भी आए चाहे वो विलायत से ही क्यों ना हो घर में स्वागत करना चाहिए। हाँ, तुम जैसे नौजवान आकाश पाताल की सोचेंगे तो क्या कहें? हाँ? तुम्हें तो जीना ही नहीं आता। भाई साहब ये आप क्या कह रहे हैं? अरे अब फिजूल की बातों के लिए मुझे फुर्सत नहीं है। अरे भाई तुम्हें देख कर मन नहीं माना इसीलिए बात चले। अच्छा तो आज शाम हमारी नमक मंडी में आ जाना। तो मुझे मजूरी? मैं तो भाग्य के भरोसे आया हूँ परमो भैया। आज मजदूर तो ले लिए। अरे कहा ना ये सब स्थाई नहीं है। मैंने जो कहा उस पर सोचो और बताओ। लेकिन बस 2 दिन की मोहलत दी है एजेंट ने। गॉड ठीक है। ठीक है भैया। बोल शाम को नमक मंडी में मिलूंगा। हाँ? जरूर मिलूंगा। ये हुई ना कुछ बार। शाबाश एंटनी शाबाश। सभा की कार्रवाई शुरू करेंगे यूसुफ चाचा? भाई थॉमस को आने दो। अरे यूसुफ भाई थॉमस के बाप के जमाने में हम कितने खुश थे। वो तो है। हंसते बोलते समय गुजारते थे। मुथैया वो जमाना और था भाई। अब तो जिंदगी की समस्याएं और भी बढ़ गई हैं। लो थॉमस आ गया। अरे भाई आप थोड़ी देर हो गई पांडे हैं। कोई बात तुम्हें सभा शुरू कर देनी चाहिए थी। माफ कीजिएगा आप लोगों को मेरी वजह से नाहके तकलीफ हुई है। अरे सन्मार्ग संघ शुरू करने के मूल में तुम्हारा ही तो हाथ है बेटे। अरे अब पांडे जी प्रार्थना के साथ सभा शुरू करेंगे। जी मरियम्मा ने जैसा सिखाया वैसा ही सुना दो। हाँ हम सब एक माँ की औलाद हैं। जबान से जाति से रंग से जुदा होने पर भी हम जैसे मछुआरे चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो सागर के पानी में एक हो जाने की वजह से आपस में भाई हैं। हम सब शांति और एकता बनाए रखने में दिलो जान से लगेंगे। हमारी प्रार्थना है कि ईश्वरीय शक्ति हमारा साथ दे। आमीन। भाइयों अब हम अपनी समस्याओं पर विचार करेंगे एक एक करके। ठीक है जी। देखो भाई हमारे पास जो पाका किश्तियां हैं वे अब टूट फूट गई हैं। उनका मरम्मत करना भी बहुत मुश्किल है। किराए पर लॉन्च लेकर काम चलाते हैं हम लोग। मेहनत से पकड़ी गई मछलियां किराए में ही चली जाती हैं। घर में बीवी बच्चों को भूखे पेट दिन गुजारना पड़ता है। अरे बारिश हुई तो बस जीने का रास्ता बंद।
फिर मालकों के आगे उधार के लिए हाथ पसारना पड़ता है। कर्ज पीढ़ी दर पीढ़ी चुकने का नाम नहीं लेता। हमारी अपनी लांचें होती तो वो समस्या नहीं होती थॉमस। हाँ ठीक कहते हो पांडे। अब तो बैंकों से और सरकार की तरफ से उधार मिलता है कम सूद में। हजारों लाखों की जरूरत पड़ेगी, कर्ज लिया जा सकता है थॉमस, पर जो लोग मियाद पर किश्त अदा ना करें उनका जिम्मा कौन लेगा? देखिए, हम जैसे युवकों को आगे आना चाहिए। पहले हम शुरू करेंगे और फिर हमारी देखा देखी दूसरे भी हाथ बटाएंगे। तुम्हारी बात अलग है, तुम मोती और शंख बटोरने जाते हो, इसके अलावा गोताखोरी भी सिखाते हो। विदेशी लोग मूंगे की चट्टानों का शोध करने आते हैं तो उनके साथ भी चले जाते हो। हम जैसे सिर्फ मछली के आश्रय रहने वालों की जीविका कैसे चले? पांडी पांडी, तुम्हें दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, पर मेरे ख्याल से तो हर काम में नफा नुकसान होता ही है। क्यों भाई, हो है कि नहीं? भाई देखो, मेरी बात मानो, पहले हम सब मिलकर बैंक में रुपए जमा कर अपना अपना खाता खोलें, फिर आप ही रास्ता निकल आएगा। हाँ भाई, ये बात किन किन को मंजूर है? मुतैया मामा जी, आप हिसाब किताब का जिम्मा ले लीजिए। ठीक है जी, ठीक। अच्छा, अब अगली बात जाल खरीदने का है। अरे जाल सी सी कर मेरा आधा जीवन गुजर गया। भाई देखो, अब तो नायलान का जाल आ गया है, वही खरीद लेंगे। अरे आगे से हर कोई अपनी पकड़ी हुई मछली संग में ही लाएगा। सुलेमान और मरक्कयार को यूं ही छोड़ दोगे? अरे सुनिए चाचा, मछलियां छांट कर बेचेंगे और जो मुनाफा होगा उसके तीन हिस्से करेंगे। एक हिस्सा मछली पकड़ने वाले का, एक हिस्सा संघ का, और एक हिस्सा बकाया कर्जा अदा करने का। ये बात ठीक है। और संघ की मार्फत लांच जाल वगैरह खरीदेंगे और नया पुराना कर्जा चुक जाने पर बचे हुए मुनाफे के पैसे आपस में बांट लेंगे। हाँ, कुछ दिन कोशिश करके देखेंगे। और एक खास बात है, वो है हमारी हिफाजत की। समंदर में उतरने वाले की जान का जिम्मा कौन लेगा? हाँ, ऐसे बेमौत मरने वाले के अनाथ परिवार की हिफाजत का बंदोबस्त होना चाहिए, तब तक जब तक बच्चे बड़े होकर परिवार को ना संभाले। क्या हमारा संघ वो जिम्मा उठाएगा? एक बात, नए नए झोपड़े बनाकर हमारे बीच आ बसने वालों का क्या करें? देखो देखो, हमारे संघ के विधि नियमों को मानकर आने वाले को भर्ती कर लेना चाहिए। हमारी बस्ती या हमारे देश को कोई नुकसान न पहुंचाने वालों को हम दोनों हाथ बढ़ाकर अपना लेंगे। वाह थॉमस वाह। भाइयों, ये बातें सुनने में शहद से भी मीठी लगती हैं। थॉमस बेटे, बघारो, खूब बघारो। चाचा जी। अरे तुम जोश खरोश की बातें कर इनका दिल बहलाओगे और अपना रास्ता नापोगे, क्यों? जी नहीं, मैं भी इनमें से एक हूं और मुझे इनसे अलग ना समझिए। थॉमस, अभी मेला लगने वाला है, तुमने उसका जिक्र तो किया ही नहीं है। खैर, मैं बताई देता हूं, सब कान खोल कर सुन लो। ऐ सुनो, ताली का ठेका हमने लिया है, इसलिए उस दिन तुम लोगों को मुफ्त माल मिलेगा। अरे जितना चाहो जी भर कर आकर के पियो। हा? चाचा जी, इन निरीह लोगों को बहकाइए मत। देखिए साहब, मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। सुनो पांडे, मुझसे पूछ कर तुम्हें ये सभा बुलानी थी। देखिए ये लोग ऊंट की तरह ना जाने किस करवट बैठे। फिजूल का बखेड़ा मोल मत लो, सभा बर्खास्त कर दी। भाइयों, संघ की बातों पर ध्यान देना, सभा बर्खास्त होती है। अरे मारिया बहन, क्या बात है, बहुत उदास बैठी हो। क्या बताऊं आशा बहन, मैंने बच्चों को सुग्गे की तरह पढ़ाया, हम लोगों पर जो बीतती है सब सुनाई।
उनकी तकलीफों को दूर करने का रास्ता और हल ढूंढ निकालने को कहा। पांडित्य और थॉमस ने क्या हल निकाला बोलो? कुछ लोगों ने बंदर घुड़की दी और उन्होंने सभा उठा ली। मारिया बहन, मेरे मामा भी वहां थे। उनका कहना था कि बेकार में झगड़ा बढ़ जाता, वो तो लड़कों ने समझदारी दिखाई। देखो, मैं जब से शादी करके यहाँ आई हूँ, मैं तब से तुम्हें जानती हूँ। बस्ती को साफ सुथरा रखने और सुधारने में हर दम लगी रहती हो। सीपियों और शंखों से नए डिजाइन की चीजें बनाती हो। लड़के लड़कियों को नियम संयम से भी रहना सिखाती हो। तुम जो देखती हो आशा, वो सागर की एक बूंद है। मेरा दिल तो समंदर की तरह हिलोरे लेता है। छुटपन में अपने बाप को सुधारने की सोची, पर सुधार न सकी। शादी के बाद अपने पति को सही राह पर लाने की कोशिश की। कुछ हद तक वो सही रास्ते पर आ भी गए, पर जैसे मछली धोते हुए हाथों से पानी में खिसक जाती है ना, वैसे वो भी खिसक जाते। और ऐसे ही एक दिन आँख मूंद कर चल बसे। आशा बहन, अपने बच्चों को मैं अच्छे ढंग से पालना चाहती थी, लेकिन मारिया बहन, तुमने कौन सी कमी छोड़ी है? देखो, थॉमस और रोजी तो तुम्हारी बात मानते हैं। बस एंटनी की बात से तुम उदास हो जाती हो। देखो बहन, पांचों उंगलियां कभी एक सी नहीं होती। तुम्हें रहने को कुटिया, खाने को रूखा सूखा, पहनने को धोती कपड़ा तो मिल ही जाता है। फिर किस बात की फिक्र है? हम औरतें बस इतने से ही खुश हो जाएं। अब सोचो आशा बहन, सीपी का मोती से क्या रिश्ता है? सिर्फ धोना मात्र ना। मोती धोने वाली सीपी जैसे खालिस सीपी बनकर समुन्दर के किनारे अपनी हस्ती भूले पड़ी रहती है, वैसे ही हम औरतों को भी क्या पड़े रहना चाहिए? अगर मैं कुछ पढ़ी लिखी होती, रुपए पैसे से संपन्न होती और प्रभु की करुणा पाई होती, तो अपनी औरत जात को चोटी पर बैठाने का प्रयत्न करती। मारिया बहन, वो देखो तुम्हारा लड़का आ रहा है। हाँ, तुम उसके हालचाल पूछो, मैं चल। अच्छा। नमस्ते सर। हेलो, आई एम रिचर्ड विलियम्स। व्हाट इज योर नेम? थॉमस फर्नांडो। थॉमस, तुम्हें ये काम कैसे आया? ट्रेनिंग लिया क्या? सर, छुटपन से समुंदर में तैरने की आदत है मेरी। मोती बटोरने हमारे अप्पा जाते थे, सो हम भी उनके साथ बीच समुंदर में चले जाते थे। बस धीरे धीरे गोताखोरी सीख गए। अब सीपी, मोती, मूंगे सबके लिए बीच समुंदर में जाना पड़ता है। थॉमस, दिस मोती बड़ा कॉस्टली होता है, सो यू आर ए रिच पर्सन। सर, समंदर में कितना पानी है पर वो प्यास बुझाता है क्या? अरे, हमारी जीविका है ये। हम जो मोती लाते हैं उसमें सरकार का भी हिस्सा होता है, और अपने हिस्से की सीपियां हम थोक में बेच देते हैं। अब फोड़ने पर मोती निकला तो उनका भाग्य है। ये शेल के अंदर मोती कैसे मिलेगा? सर, सीपी फोड़ने पर उसमें से एक कीड़ा निकलता है। कीड़ा? हाँ, उस कीड़े को चीर कर मोती निकलता है। अब मरे कीड़ों को हम मछलियों को खिला देते हैं। एक बोट में ओनली 2 persons जाते हैं ना? जी, कभी कभी 4 भी चले जाते हैं। रिचर्ड सर, हमारे यहाँ एक रिवाज है, कस्टम है? रिश्ते में जो साले बहनोई होते हैं ना, वो ही गोताखोरी के लिए जाते हैं। बहनोई? मैं, यू मीन अंकल? नहीं, मैं समझाता हूँ। अब देखिए, गोताखोरी के लिए जो समंदर में उतरता है वो बहनोई यानी सिस्टर्स हस्बैंड
हैं वो होता है और नाव पर रहने वाला साला यानी कि हिज ब्रदर इन लॉ नो नो हिज ब्रदर हां 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 उसके वाइफ का ब्रदर होता है सर दो पर्संस में से एक आदमी बोट में वेट करता है और दूसरा रस्सा पकड़कर समंदर में उतरता है सांस रोककर सर सीपियां जुटाने के बाद धीरे से रस्सा हिलाकर इशारा करता है ज्यादा से ज्यादा वो 10 मिनट ही सांस रोककर पानी में रह सकता है और जो वो रस्सा हिलाता है ना सर वो इशारा है और इशारा समझकर तब ऊपर वाला रस्सा खींचता है और तभी वो ऊपर आ सकता है लेकिन दूसरे रिलेशंस में दुश्मनी भी हो सकती है सर इसलिए साले बहनोई के रिश्ते में सेफ्टी है क्योंकि लाइफ की सिक्योरिटी है लाइफ सिक्योरिटी वो कैसे देखिए अगर गोताखोर मर जाए तो रस्सा पकड़ने वाले की बहन विधवा हो जाएगी ना विडो उसके और उसके बच्चों को पालने की जिम्मेदारी फिर इसके ऊपर आ पड़ेगी ओ ये बात है क्यों थॉमस तुम ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते और रस्से से ज़्यादा स्ट्रांग तो चेन्स रहेंगे आपकी बात तो ठीक है इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसके लिए जो खर्चा होता है ना उन रुपयों से 10 परिवार जी सकते हैं सर वो सब हमारे बस की बात नहीं है सोमस एक दिन में कितनी सीपियां बटोरोगे सर सुबह से लेकर दोपहर 2-3 बजे तक गोताखोरी करेंगे जितनी बटोर सकेंगे ले जाएंगे एंड शंख निकालने का भी यही सेम मेथड है क्या जी शंख भी ऐसे ही निकाला जाता है लेकिन मोती 20 साल में एक बार मिलता है पर हम लोग हर साल चेक करते हैं सर शंख तो हर साल निकाल सकते हैं साल में 5 महीने उसका मौसम होता है थॉमस इन शेल्स से कई खूबसूरत चीज़ें बना सकते हैं जी हाँ बहुत सारी और वो सब मेरी माँ और बहन बनाती हैं मदर सिस्टर जी जी यू मीन तुम्हारा फैमिली है जी हाँ है सर एक दिन मैं आपको अपने घर ले चलूँगा वहाँ आप अपनी पसंद की सजावट की सारी चीज़ें चुन सकते हैं ओके ओके सर अब हम समंदर में उतरेंगे ओ यस तो चलें साले साहब सर पिछली बार फंसते फंसते बच गए हाँ अब मेरी बात गांठ बांध कर रखो हाँ अंकल खर्च के लिए पैसा चाहिए ना अरे ले लो जितना चाहे ले लो एंजॉय करो हाँ अरे इस उम्र में एंजॉय नहीं करोगे तो कब करोगे अंकल अंकल मैं अपने भाई साहब से भी ज्यादा सुविधाजनक जीवन जीना चाहता हूँ अरे मेरे बेटे मेरी बात मानकर चलोगे तो दौलत बरसेगी दौलत अब चलो मेरे साथ हाँ चलिए चलिए अंकल रवि हाँ राजा ये हमारी सामर्थ्य की परीक्षा तो नहीं हमारी चौकस निगरानी के बावजूद साजिश जारी है ऊपर से सख्त चेतावनी आ गई है हम अपने काम के ढीले नहीं हैं रात दिन एक करके मेहनत करते हैं पर कामयाबी हाथ नहीं लगती इसका मतलब है कि दुश्मनों की ताकत हमसे कई गुना ज्यादा है राजा अब हमें क्या करना चाहिए देखो मेरे पास एक योजना है वो क्या तिलक तुम जहाज से नसैनी लटकाओ और नाव तैयार रखो ठीक है उसके पहले निगरानी ढीली कर दो राजा हाँ रवि दुश्मनों को ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हमने अपनी निगरानी में ढील दे दी है और यह स्थिति तब तक बनाए रखनी है जब तक वो गफलत में ना पड़ जाए लेकिन उनकी गतिविधि पर नजर रखनी है जिससे उनको हम पर शक ना हो यह बहुत जरूरी है तुम्हारी योजना हमारी समझ में नहीं आती है देखो मैंने दुश्मनों का सामना खुद करने का फैसला किया है तुम अकेले राजा दोस्तों इस प्रयत्न में न जाने हार जीत किसकी है बस मुझे मां का आशीर्वाद और साहस चाहिए तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सफल होगी विश यू ऑल द बेस्ट राजा वो देखो खतरे का संकेत मुझसे अब सब्र नहीं किया जाता मैं अपने कर्तव्य पालन के लिए उतावला हो रहा हूं नसैनी खोल दो ओके बी रेडी राजा ऑल द बेस्ट थैंक यू ऑल द बेस्ट
साले साहब, साले साहब। कौन हो तुम? साले बहनोई का रिश्ता जोड़ने वाले? आई एम रिचर्ड विलियम्स। आई एम सॉरी, मजाक में मैं थॉमस को ऐसे ही बुलाया करता हूँ। भैया समुद्र तट पर गए हैं, आप मूंगे की चट्टान की छानबीन के लिए आए हुए हैं ना? यस, घर में हैंडीक्राफ्ट देखने के लिए बुलाया था थॉमस ने। ओके, मैं बाद में आऊंगा, बाय। कौन आया है रोजी? अरे मैं पूछ रही हूँ, सुनाई नहीं देता? वो साले नहीं, भाई से मिलने आया था कोई, कोई रिचर्ड है। ओ, उन दिनों जैसे कोई जॉन आया था, वैसे आज रिचर्ड आया है उथल पुथल मचाने। अच्छा अच्छा, थॉमस कह रहा था कि कोई कुछ खरीदने के लिए आने वाला है, भाई की अनुमति और मेरे आशीर्वाद से जो चाहे दे दे। वो तो चला गया। मरियम्मा, अरे तुम यहाँ हो, हम तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढते फिर रहे हैं। क्यों यूसुफ भैया, क्या बात है, इस तरह घबराए हुए क्यों हो? अरे वो समुद्र के किनारे भीड़ लगी है, थॉमस ने खबर दी है कि एंटनी खतरे में है। क्या? हाँ, किसे क्या हुआ कुछ नहीं पता, बंदूक की आवाज आई और शोरगुल हुआ, सब कहते हैं कि दास ने गोली चलाई है। मेरा बेटा, हे प्रभु, मेरे बेटे की रक्षा करो प्रभु, मेरे बेटे की रक्षा करो। माँ, अंदर आओ बेटी। माँ, आपके प्यार और आशीर्वाद से मैं बच गया। आपकी सेवा को मैं कभी नहीं भूल सकता, आभार जताने के लिए ही आया हूं। अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो बेटा, पट्टी बंधी है। जिस काम से मैं आया था वो अभी पूरा नहीं हुआ। माँ, जिसने निशाना लगाया वो बच गया। जरा ठहरो बेटा, पहली बार आए हो, थोड़ी कॉफी पी कर जाओ। बैठो बेटा। जी जी, आप यहाँ? थॉमस बेटा, इन्हें अंदर ले जाओ, मैं बाहर से अभी दूध लेकर आती हूँ। हाँ आइए, आइए सर, आइए, संभाल के। सर, क्या माँ को मालूम नहीं कि आप कौन हैं? तो क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? जी मुझे अभी अभी मालूम हुआ है, आप नेवल अफसर राजा हैं। आप पर हमला होने के बाद आता पता न मिलने पर आपके साथी ऐसी छानबीन कर रहे हैं मानो समुद्र मंथन हो रहा हो। एक हफ्ते से हम मछुआरों को समुद्र में जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है। हमें आपका हुलिया बताकर कहा गया है कि हम आपकी खोज करें, तभी वो एंटनी ने आकर मुझे। एंटनी, वेयर इज दैट फेलो? कहाँ है वो? जी वो भाग निकला, उसका और तुम्हारा क्या रिश्ता है? खून का जी, वो मेरा भाई है। कहाँ है वो? सर सर सर, संभाल के गिरिए मत, मुझे पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए जी। देखिए देखिए सर, जो सजा उसे देनी है वो आप मुझे दे दीजिए, मैं खुशी से भोगने को तैयार हूँ। छोड़ मुझे, छोड़ो मुझे, देखिए मैं कहता हूँ थॉमस छोड़ दे मुझे। सर कसूरवार मैं हूँ। भैया भैया, ये क्या देखो, वहाँ सीपी गिरी पड़ी है। सीपी कहाँ है? मुझे दो। नहीं मुझे दो वो। भैया मेरी, आज पूनम भी नहीं है, फिर माँ ने इसे क्यों बाहर निकाला? पर देखो माँ की पेटी पर तो ताला लगा है। माँ, माँ, बेटा आ गई, दूध लेने गई थी, वहां देर लग गई। अरे ये क्या, मुझसे बिना पूछे पेटी क्यों खोली?
इसे बाहर क्यों निकाला तुम? नहीं माँ, ये जो खड़े हैं ना, वो मांग रहे हैं सीपी को। माँ, मुझे लगता है इन्हीं की जेब से गिरी होगी। मुझे तो हे प्रभु, कहाँ है मेरी बेटी की चाबी? माँ माँ देखो, तुम्हारी सीपी तो यहाँ है। तो मेरे राजा बेटे हो क्या? क्या तुम फादर देव सहायम को जानते हो बेटे? फादर देव सहायम? हाँ, जानता हूँ। तो आप सचमुच मुझे जन्म देने वाली माँ ही हैं? बेटा, नहीं, मुझे तो विश्वास नहीं होता। लगता है कि एंटनी को पकड़ने का षड्यंत्र है ये। षड्यंत्र? पर ये प्यार, ये आंसू देखने पर विश्वास किए बिना रहा भी नहीं जाता। माँ, अप्पा कैसे हैं? माँ, माँ, ये कौन है माँ? रोजी ही मेरा बेटा है, तुम्हारा बड़ा भाई। नहीं माँ, नहीं, ये तो तुम्हारे बेटे एंटनी को खोज कर उसे दंड देने के लिए आया हुआ अफसर है। थैंक्स थॉमस, मोहन ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया। थोड़ी देर के लिए मैं अपना फर्ज भूल गया था। याद दिलाने के लिए बहुत शुक्रिया। ठीक है, अच्छा मैं जाता हूँ। भैया थॉमस, उस लड़के को मत रोको। मत रोको उसे, जो कसूरवार है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। तुम कैसी बात? सच पूछो तो बेटा, आंखों में धूल झोंक कर भागे हुए बेटे को खाना देने गई थी मैं। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ वहां जहां एंटनी छुपा है। साल साहब, एंटोनी तो सजा भोग कर रिलीज होकर बाहर आ गया, पर मैं खूब फंसा। लाइफ लॉन्ग प्रिजन। पर जेलर मेरी बहन है, आपको आंखों ही आंखों में रखेगा। क्यों रोजी? भैया। माँ, मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है, जब कभी मुझे फुर्सत मिलेगी तो आप लोगों से मिलने जरूर आऊंगा। भैया, माँ की ख्वाहिश आपके आने के बाद पूरी हो गई, पर आप हमसे बिछड़ रहे हैं, इस बात का बहुत अफसोस है। माँ, मेरे साथ चलो। माँ हमारे साथ? माँ हमारे साथ नहीं, माँ हमारे साथ ही रहेंगी। आज चांदनी रात है माँ, पर मेरा दिल उछल रहा है। समंदर में उठने वाले ज्वार भाटे भी शांत दिखाई दे रहे हैं। बेटा, कहीं पैदा हुए कहीं पले, तो भी तुम लोग रिश्ते नाते से एक हो गए। इसकी वजह है हिलोरे लेने वाला ये समंदर। बिल्कुल ऐसे ही बेटा, दुनिया के सब लोग अपने अपने भेदभाव भूल कर एक हो जाएं, तो स्वर्ग धरती पर उतर आएगा। अपनी लहरों की मार्फत ये समंदर इसी बात को कह रहा है, सीमाएं भूल कर विचारों से हम एक सूत्र में बंधे, एक दिल होकर मानवता की रक्षा करें। और सन्मार्ग संघ में सब हमारी राह देखते होंगे। यूसुफ चाचा, मुतैया मामा, पांडे भाई, चलो सब वहां चलते हैं। चलो भाई, चलो। मोती ढोती सीपियां, अभी आप श्रीमती राजलक्ष्मी सुब्रमण्यम के तमिल नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्री आर वीलीनाथन ने किया था। नाटक की प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि शर्मा और प्रस्तुति सहायिका विजयलक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री नीरज शर्मा, योगेंद्र टिक्कू, अलका अमीन, नीरू अग्रवाल, सतीश कक्कड़, सलीम खान, दिनेश वर्मा, बी आर एल सक्सेना, राजेंद्र वर्मा, राजेश आहूजा, प्रवीण शर्मा, विद्याभूषण, राजेश तिवारी, सुनील कुमार लोहिया, अरविंद धानवे और मंजू मैनी। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।